ग्वालियर शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बीती रात शराब की दुकान के बाहर बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग शराब दुकान में काम कर रहे लोगों को डराने के लिए की गई थी। सेल्समैन हेमंत सेवरे का कहना है कि दो बदमाश मुंह बांधे दुकान पर आए थे, उन्होंने नीचे से ही फायर कर दिया। पहले तो उन्होंने किसी पटाखे के चलने की आवाज़ समझी, बाद में जब दूसरा तीसरा फायर हुआ तब वे अपने साथियों के साथ दुकान में छुप गए। इस बीच बदमाश वहाँ गाली गलौज करते हुए मोटरसाइकिल से भाग निकले। यह बदमाश कौन है और शराब दुकान पर क्या करने आए थे, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है। शराब दुकान के कर्मचारी भी इस बारे में कुछ नहीं बता सके हैं, लेकिन रंगबाजी वसूली के चक्कर में यह फायरिंग हुई है, ऐसी चर्चा है। गोली शराब की दुकान के बाहर लगे टीन शेड में धस गई थी। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। घटना मुरार थाना क्षेत्र के चौराहे पर शराब की दुकान की है, जहाँ गरिमा सेवरे की शराब की दुकान है, जहाँ अंग्रेजी देसी तंत्र की शराब का ठेका है। यहीं शनिवार रात में फायरिंग हुई। यह पूरा वाक्य दुकान से कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। ये सीपी कॉलोनी 7 नंबर चौराहा मुरार पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। ये वीडियो भी संज्ञान में आया है और फरियादी का हम कथन ले रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे व्यक्ति और आपराधिक तत्वों के खिलाफ करेगी पुलिस। उसमें एक व्यक्ति शराब दुकान के सामने कुछ राउंड फायर करते हुए दिख रहा है। मुख्यतः 3 राउंड फायर किए गए ऐसा आसपास के तथ्यों से सामने आया और विस्तृत जांच करके जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।